अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी शहजादी बहनों, कैसे हैं आप? अल्लाह सुभान व तआला सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबके घरों में सुकून दे और अमन दे, कुरान का नूर दे, वो सकीनत जो कुरान के और अल्लाह के ज़िक्र के साथ घरों में उतरती है, अल्लाह ताला उस सकीनत से हमारे घरों को भर दे। आमीन। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما آمين। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे कोई बात ऐसी करने जा रही हूँ कि जो बहुत ज़रूरी है, यानी हमारे माशरे में इस कदर ख़राबी हो रही है इन चीज़ों की वजह से और इतने ताल्लुकात में बिगाड़ आ रहा है, और वो चीज़ है शिकवे शिकायतें। मोहब्बत की कैंची होती हैं, यानी मोहब्बत को काट के रख देती हैं। लोग तंग पड़ जाते हैं, लोग उन लोगों से भागना शुरू कर देते हैं जो शिकवे शिकायत करते हैं। और शिकवे शिकायत करने वालों के लिए क्या नसीहत हो सकती है, उनको क्या करना चाहिए, वो भी आज हम देखेंगे। आजकल जैसा कि आपको पता है कि शादियां जो हैं वो बहुत मोहब्बतों के साथ और बड़े जोश खरोश के साथ और बड़े शान शौकत के साथ की जाती हैं, लेकिन उनका कॉन्सिक्वेंस बड़ा बुरा निकल रहा है कि उसके बाद नाऊद बिल्ला अल्लाह सुबहान तआला सबको महफूज रखे, शादी टूटने की खबर मिल जाती है और लड़ाइयों झगड़ों की खबरें मिलने लग जाती हैं। तो उसमें आपको तजर्बे से बता रही हूँ कि डिफरेंट तरह के बच्चों की बातें सुनने को मिलती हैं, माँ बाप की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ क्या पता चल रही है, एक तो ये कि बच्चों को ट्रेन नहीं किया जाता, उनकी काउंसलिंग नहीं की जाती, उनको शादी से पहले शादी की जिम्मेदारियां और उसके एक्सपेक्टेशंस जो एक दूसरे के से हो सकती हैं वो नहीं बताई जाती, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं बताई जाती, रिवॉर्ड नहीं बताया जाता कि दूसरे को बर्दाश्त करना, दूसरे को स्पेस देना, दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना और उसके हकूक़ अदा करना, अपने हकूक़ के लिए अल्लाह सुबहान तआला से दुआ करना और बेहतरीन तरीके से अपने हक की बात करना, वो किस तरह की जाए। यानी चूँकि हम दर्स होता है बिल्कुल ऐन शादी के मौके पर, जिसमें जो दर्स देने वाला बंदा है वो क्या कह सकता है, क्या नसीहत कर सकता है, जबकि बच्ची उस वक्त किसी और ही जोन में होती है या किसी और माइंड सेट में होती है, ऐश के, शादी की रौनकों के, उसके दिमाग और दिल में अब वो चीज़ नहीं बैठ सकती जो वो एक सीरियस तरीके से कुछ महीने पहले से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए दोनों लड़का और लड़की की, कि किस तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाए, तहारत के मसाइल उनको बताए जाएँ, अच्छी कंपेनियनशिप, हेल्थी कंपेनियनशिप क्या होती है, सहाबा कराम की मिसालें, अच्छे लोगों की मिसालें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दे के ये बातें समझानी चाहिए। और आजकल के ज़माने के हिसाब से भी उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि आजकल लोगों के माइंडसेट कैसे हैं और किस तरीके से उनकी तरबियत की जा सकती है। डेफिनेटली आसमान से कोई हूर परी तो नहीं उतरेगी जो बिल्कुल ही खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करेगी, या आदमी तो कहीं ऐसा नहीं मिल सकता कि फरिश्ता सीरत हो और वो कुछ बोले ही ना। डेफिनेटली मिजाजों में तब्दीली आ चुकी है, अखलाक में तब्दीली आ चुकी है, मीडिया ने बिल्कुल इंसानों की सोचने की सलाहियत सल्ब कर ली है और उनको जो दिखाया जाता है, जो बोला जाता है, वो वही सोचते और वही बोलते और वही समझते हैं। सो हमने अपने आप को नए ज़माने के हिसाब से चेंज करके और उनकी मेंटालिटी के मुताबिक उनकी काउंसलिंग करनी ही होगी। उसके बगैर शादी के इतनी सीरियस मैटर में बच्चों को डालना नहीं चाहिए जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाती। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात बहुत ज़रूरी समझने की है कि लड़कों की माएँ, हम ये सोचते थे ना पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि सासे होती थी और जो है ना बहुएँ होती थी, अब इस ज़माने में भी वो हो रहा है और एक और ही कहते हैं ना कि सख्ती और करख्तगी के साथ ये चीज़ें आ रही हैं कि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को खुश नहीं देख सकती, माएँ अपने बेटों को लेट गो नहीं कर रही और उनके ऊपर रोब जमाना या उनको प्रेशराइज़ करने से रुक नहीं रही,
और उनकी ज़िंदगियों में इंटरफियर करती हैं और उनको हर वक्त ये एहसास दिलाती हैं कि हम तुम्हारा ज़्यादा अच्छा ख्याल रखते हैं और तुम्हारी बीवी ख्याल नहीं रखती। और लड़कियों की माएँ अपनी बेटियों को लेट गो नहीं कर रही, हर वक्त उनकी ज़िंदगियों में इंटरफियर करती हैं, उनकी ज़िंदगियों को मुश्किल बनाती हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चियां अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से बड़ी समझदारी के साथ ज़िंदगियां गुजार रही होती हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने ससुराल को और अपने हस्बैंड को मैनेज कर रही होती हैं, लेकिन माँ बाप पीछे से प्रेशराइज करते हैं कि हमारा भी ख्याल करो, हमें भी देखो, हमारे पास आकर रहो। तो मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। एक नया घर स्टार्ट हो रहा है, एक नई फैमिली स्टार्ट हो रही है, उनको हेल्थी तरीके से, सेहतमंद तरीके से उस बच्ची को अपने घर में अपने कदम जमाने दें। और ये माँ बाप की ही इज्जत होती है कि जब बच्चे अपने ससुराल वालों की इज्जत कर रहे होते हैं और अपनी जगह बना रहे होते हैं तो उस वक्त उनको स्पेस देनी चाहिए और उनके ऊपर रोप नहीं जमाना चाहिए या उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमारे पास भी आओ, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, तुम बिल्कुल बदल गई हो, तुम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं कर रही, तुम्हें कैसे अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। प्लीज़ ऐसे काम मत करें, ये बहुत ज़्यादती होगी। यहाँ पर मैंने कितने लोगों से सुना है और मुझे इतना दुख होता है कि जहाँ पर लड़की बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही होती है वहाँ पर माँ बाप आके उसके रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। और जहाँ बच्चा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसको समझ है कि इस वक्त में लड़कियों का माइंडसेट क्या है और वो अच्छे तरीके से अपनी बीवी को हैंडल कर रहा होता है, उधर माँ बाप आके लड़के के उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हक बात है, अच्छी बात है, वो बेहतर तरीके से, भले तरीके से, मोहब्बत के साथ आप वो उन तक कन्वे कर सकते हैं और उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। उससे आगे एक उस फैमिली को ग्रो करने की इजाज़त देनी चाहिए, उनको अपने फ़ैसले खुद करने, इल्ला माशाल्लाह कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बीच में आपका मशवरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उनको मशवरा ज़रूर दे सकते हैं गाहे बगाहे, लेकिन उनकी ज़िंदगियों को ऐसे नहीं कर सकते कि आप हमारे साथ क्यों नहीं आते, आप हमारे काम क्यों नहीं करते, आप हमें क्यों नहीं घुमाते फिराते, आप हमें भूल गए हो और हमारा हक नहीं अदा कर रहे, तुम कैसे खुश रह सकते हो। ये जो शिकवे शिकायतें हैं ना, ये इंतहाई डेंजरस होती हैं और बच्चों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख देती हैं। मैं सोचती हूँ कि चलें जहाँ पर बच्चों की आपस में लड़ाई हो रही है और वो एक दूसरे के साथ सेट नहीं हो सक रहे, हम तो उसको भी सुधारने की कोशिश करें, यानी दोनों तरफ के माँ बाप एक, वो कहते हैं ना, बन जाएं उनके मददगार और खड़े हो जाएं कि ये रिश्ता नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो, चलो बताओ कि क्या चीज़ फिक्स करनी है, किस जगह पर आपको हेल्प चाहिए, किस जगह पर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, कौन सा बच्चा गलती कर रहा है। उसके अपने माँ बाप, लड़का गलती कर रहा है तो लड़के के माँ बाप कहें कि हम इसको सही करेंगे, हम इसकी ये चीज़ दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लड़की कहीं पर गलत है तो लड़की के माँ बाप खड़े हो जाएं कि हम इसको, इसके दिमाग को दुरुस्त करते हैं, हम इसकी सोच को चेंज करते हैं ताकि ये घर बसा रहे। इस तरीके का हमें बिहेवियर चाहिए कि हमारे घर ना टूटें, इकाइयाँ ना टूटें। और लोगों, क्योंकि लोगों का शादी के ऊपर से एतबार उठ रहा है, बच्चों का शादी के ऊपर से एतबार उठ रहा है कि हम देख रहे हैं कि आसपास जो जो लोग शादी करते हैं वो तो कामयाब नहीं हो रहे, तो इससे बेहतर है कि शादी के बगैर ही रहें, ठीक है ना। तो शादी को एक तो आसान बनाएं, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये लोग हमारे घर क्या लेकर आ रहे हैं, खाली हाथों के साथ तो नहीं आ रहे। ये भी सुना है मैंने, अस्तग़फिरुल्लाह अलअज़ीम, ये बात भी सुनी गई है कि आपके बड़ा महर क्यों नहीं रखा, क्या हो जाता बड़े महर रखने से, उनकी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसान रखो महर, शादी को आसान बनाना है कि मुश्किल बनाना है। तो इतने मुतालबे करके जो उनकी लड़ाइयाँ नहीं होनी थी वो आपने करवा दी, वो पहले ही आपस में लड़ने लगे कि मेरे अम्मी अबू तो ये कह रहे हैं कि महर ज़्यादा रखना है और तुम्हारे अम्मी अबू कम रख रहे हैं, और अब ये क्या होगा, कौन सा हॉल है, उस पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेक इट सिंपल, मेक इट ब्यूटीफुल, मेक इट लवली, यानी इतनी प्यारी तरीके से इस चीज़ को किया जाए कि किसी को भी ये मुश्किल ना लगे।
आप ये ज़माना वो नहीं रहा कि आप किसी से मुतालबे करें, किसी से शिकवे शिकायतें करें। आप जिस तरह भी होते हैं शुक्र का कलमा पढ़ें कि कहीं पर शादी हो रही है, बच्चे राज़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत बड़ा कह लें कि बहुत बड़ी नेमत है कि दोनों तरफ बच्चे राज़ी हों और वो खुशी से एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हों। दूसरा, रिश्तेदारों के आपस में शिकवे शिकायतें, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। मेरी प्यारी बहनों, इतनी छोटी ज़िंदगी है, इतनी छोटी ज़िंदगी है, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप्स ड्यू टू दीज काइंड ऑफ कंप्लेंट्स के उसने मेरे लिए ये नहीं किया तो उसने मेरे लिए वो नहीं किया। जिसको शिकवे शिकायतें बहुत हैं ना, अब उसका हल क्या हो सकता है? आप दूसरे को बता दें आप अपनी एक्सपेक्टेशन कि मेरा दिल क्या करता है, इनडायरेक्ट ही बता दें। मेरा दिल चाहता है कि जब कोई मेहमान आए तो वो छोटी मोटी कोई चीज़ ले आए, मुझे बड़ी खुशी होती क्योंकि मैं सबके घर लेकर जाता। इवन दो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू एक्सपेक्ट, बिकॉज हम कोई फ़कीर तो नहीं है कि कोई लाएगा तो हम खाएंगे और कोई भरे हाथों के साथ आएगा तो ही हम खुश हो सकते हैं। हम इतने ग्रीडी हैं, इतने लालची हैं। हाँ, कोई अपनी खुशी से ले आए तो 100 दफ़ा ले आए, लेकिन आप हमें एक्सपेक्ट तो नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों को हल बता रही हूँ जो जिनके दिल में ये एक स्विच चुप जाती है कि ससुराल वाले आए या कोई दूसरे आए तो हाथ में कुछ नहीं लेकर आए। इवन दो दिस इज़ वेरी वेरी नहीं, मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती कि लोग बुरा मनाएं, लेकिन ये बहुत बुरी बात लगती है। पर एनीवेज, जो भी आपको एक्सपेक्टेशंस हैं वो दूसरे को बता दीजिए कि मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, ताकि जब वो कुछ, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आप किस बात पे नाराज़ हो रहे हैं, और बाद में जब आप शिकवा करेंगे तो वो वक्त तो गुज़र चुका है। आप पहले ही बता दीजिए। जैसे किसी ने कहना होता है कि इसके घर में कुछ भेज दो, तो आप पहले से ही कह दें कि भेज दो। ये नहीं कि जब वो वक्त गुज़र जाए तो आप कहें आपने क्यों नहीं भेजा, ठीक है ना। ये शिकवे और शिकायतें मोहब्बत की कैंची होती हैं, ये काट के रख देती हैं मोहब्बत को, ये रिश्तों को तोड़ फोड़ के रख देती हैं, ये उनमें ऐसी दरारें डाल देती हैं जिनको आप फिक्स नहीं कर सकते। मुश्किल हो जाती है, दिल ख़राब हो जाते हैं, एक दूसरे से दिल फट जाते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, इन चीज़ों के बारे में गौर फिक्र कीजिए, प्लीज़ मेरी मदद करें। मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है ये सोच के कि हमारे ताल्लुकात में कितनी ख़राबी आ रही है और हमारे बच्चों के लिए कितने बुरे हम मिसालें पेश कर रहे हैं, या शादियों के टूटने की वजह से कितने यंग बच्चे शादी से ही पुट ऑफ हो रहे हैं कि शादी करनी नहीं चाहिए। हालांकि इसके बगैर, शादी के बगैर जो ख़राबियां हो रही हैं वो हम सबको पता है, घर घर की कहानी है। अल्लाह सुबहान व तआला हमारे बच्चों के ईमान को मजबूत करे, अल्लाह सुबहान व तआला उनको बेहतरीन ज़िंदगी का साथी दे और उन वो एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से समझें, दीन और ईमान और दुनिया सब में आगे बढ़ाने वाले और मददगार एक दूसरे के हों, एक दूसरे की दिलजोई करने वाले हों, एक दूसरे के हमदर्द हों, माँ बाप के फरमाबरदार हों, उनके खिदमत गुजार हों और सब के दिल जीतने वाले हों। आमीन आमीन आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।